संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के लिए गुरुवार को चारूचंद्रपुरी स्थित पार्टी कार्यालय पर यूथ कांग्रेस गोरखपुर के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा में संगठन को मजबूत करने और यूथ कांग्रेस द्वारा 60 साल कांग्रेस की उपलब्धि का कार्यक्रम लॉन्च करने के संबंध में बैठक के माध्यम से विचार विमर्श किया। बैठक में प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी, जिला कोऑर्डिनेटर स्वप्निल श्रीवास्तव, पिपराइच विधानसभा अध्यक्ष मिथिलेश विश्वकर्मा, नवीन कुमार, रंजीत चौधरी, अखिलेश कुमार, विनोद सिंह, सतीश कुमार सहित यूथ कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष वो एक्टिव नहीं है ग्रामीण, ये क्या नाम है, जो कांग्रेस की उपलब्धियां कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा जब हमारे पास विधानसभा में मीटिंग हो जाएगी और बस चलने के लिए हो जाएंगे, तो कम से कम यूथ कांग्रेस के लोग दिखे वहाँ पे, मजबूती एकदम बिल्कुल सही है कि हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे और हर विधानसभा में हम लोग चलेंगे। लोगों को उपलब्धियाँ क्या नाम है जो कम्प्लीट हमारे बाद एक संदेश भी जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए चौकी भाई कार्यालय पे आज यूथ कांग्रेस की गोरखपुर की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमने जो हमारे आगे के कार्यक्रम हैं किस प्रकार से होंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा वाइज हम एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं, कांग्रेस की उपलब्धियां उस बारे में निर्णय लिया जा रहा है। विधानसभा वाइज हम एक बैठक भी करेंगे, उन बैठकों में हम युवाओं को और आम जनमानस को जागरूक करेंगे। कांग्रेस ने विगत 60 सालों में, जैसा कि भाजपा का जुमला रहता है कि 60 वर्षों में खाली देश को हमने ठगा है, तो हमने क्या किया, इन उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम है कांग्रेस की उपलब्धियां उसकी लॉन्चिंग के तौर पे ये बैठक, उस लॉन्चिंग की तैयारी की बैठक है ये, और विधानसभा वाइज हमारी मजबूती के लिए ये बैठक हमने आज आयोजित की।